नमस्कार, मुझे अच्छी तरह याद है सन 2004 का चुनाव, जब श्री एल के एडवानी आज के नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। उनकी आदत थी, शायद अभी भी है, कि वो हाथों को मसलते बहुत थे। और हाथों को मसलते हुए उन्होंने कहा था एक दफ़े कि मुझे लगता है देर इज़ अ फील गुड फैक्टर, एक फील गुड फैक्टर है, जिसे कांग्रेसियों ने फौरन फूल गुड फैक्टर कह दिया था। बिल्कुल उस तरह से जैसे एडवानी साहब की जब ऑटोबायोग्राफी आई थी, आत्मकथा आई थी, उसका नाम था माय कंट्री माय लाइफ, कांग्रेसी ने उसका नाम बना दिया माय कोटरी माय लाइज। बहरहाल, तो उस वक्त सन 2004 में एल के एडवानी हाथ मसलते मसलते कह रहे थे देर इज़ अ फील गुड फैक्टर, और वहाँ पर दो नारे नए बनाए गए, इंडिया शाइनिंग और भारत उदय। तो सन 2004 में मैंने एक बहुत लंबी रेल यात्रा की थी, महात्मा गांधी से भी ज़्यादा लंबी रेल यात्रा। उत्तर में मैं गया था जम्मू तक, तब उधमपुर स्टेशन शुरू नहीं हुआ था। नीचे दक्षिण में मैं गया था कन्याकुमारी, और पश्चिम में मैं गया था भुज तक, और पूर्व में मैं गया था लेखापानी नाम का स्टेशन है आसाम का, आखिरी रेलवे स्टेशन। मुझे कहीं फील गुड फैक्टर या इंडिया शाइनिंग या भारत उदय कहीं नहीं दिखा। पता नहीं क्यों, मोदी साहब का जब भाषण सुना डेवोस में और वैसे भी, मुझे लगा कि ये उनका इंडिया शाइनिंग मोमेंट है। इसी बात की तस्दीक करिए जो मुझे पता चला, मुझे जो महसूस हुआ, ये मेरे दोस्त एम के वेणु हैं, सहयोगी हैं, उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है द वायर में। अब ये मोदी साहब का फील गुड फैक्टर है कि हालात ख़राब हैं, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, अरविंद सुब्रमण्यम तक मानते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनका हाल ठीक नहीं है, जहाँ रोज़गार की बात है वहाँ बहुत काम करना बाकी है, रोज़गार भी कम हुए हैं। 3 साल से जो ग्रामीण इलाकों की आमदन है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुई थी, फील गुड फैक्टर से पहले। सिर्फ मीडिया के ज़रिए माहौल बना देने से फील गुड फैक्टर नहीं हो जाता, भारत उदय नहीं हो जाता, इंडिया शाइन नहीं करने लगता। बजट आ रहा है, अब किस तरह का बजट पेश करेंगे? 26 मई सन 2019 को नई सरकार होनी है। 26 मई सन 2019 को नई सरकार होने के लिए ज़रूरी है कि काउंटिंग वगैरह 24 तक पूरी हो जाए या 23 मई तक पूरी हो जाए अगले साल, और जो चुनाव होंगे भारत के वो सिर्फ एक झटके में, एक दिन में सारे भारत में नहीं हो जाएंगे, फेजेस में चुनाव होते हैं, तो 3-4 महीने चुनाव की प्रक्रिया चलती है। यानी आप मार्च भी अगर मान ले तो उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर इस सरकार के पास 11 या 12 महीने, एक साल बचा है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही वो कोई नीतिगत निर्णय नहीं सुना सकते। मतलब ये है कि आने वाला बजट जो है कल का, एक तो वही डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ वो ऐसा करके दिखाएं या बताएं कि अब हम ये करने जा रहे हैं जो कुछ हमने पिछले 3 साल 8 महीने में नहीं किया, एक सपना और दिखा दें या कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर दें, या फिर एक ऐसा एजेंडा बनाएं चुनाव तक जो पूरे माहौल को बदलने की कोशिश करें। हमें लग रहा है कि इस दफ़े के बजट में इनका ध्यान किसानों की तरफ ज़्यादा रहेगा, जो पिछले 4 साल से इन्होंने एकदम इग्नोर किया है, 3 साल 8 महीने से, और अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी है उसकी तरफ भी रहेगा। जहाँ तक रोज़गार पैदा करने की बात है, प्रधान सेवक कह चुके हैं कि पकौड़े तलना भी रोज़गार है। उनका आशय ये बिल्कुल नहीं था कि सारे हिंदुस्तानी नौजवान जो हैं वो आओ मिलजुल कर देश के लिए पकौड़े तलें, ऐसा नहीं था उनका आशय। उनका ये था कि छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे साइकिल का पंक्चर लगाना, जैसे पकौड़े तलना, स्वरोज़गार, जैसे गाँव के इलाकों में आप चले जाइए शाम के वक्त, नुक्कड़ पर रेहड़ी लगती है, उबले हुए अंडे होते हैं, वहाँ लड़कों की भीड़ आपस में खड़कर बातें कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है। काम है जिसके पास, वो उसका अपना रोज़गार है। जहाँ वायदा था 1 करोड़ नौकरियां हर साल का, वो नौकरियों का वायदा था, वो बीटेक, एमटेक, बीए, एमए, एमएससी, एमबीए, जो पढ़ाई लिखाई करके लोग निकलते हैं उसके मुताबिक उनको नौकरियों का वायदा था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। लिहाजा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम लेकर, जिसमें 50,000 का लोन या 37,000 का लोन देकर, 55,000 सबसे ज़्यादा है गुजरात में और 37,000 है महाराष्ट्र में, वो कर्ज देकर लोगों से कह रहे कि अपने अपने छोटे छोटे रोज़गार शुरू करो, मेरा वायदा पूरा हुआ। बहरहाल,
एक जो देखा जा रहा है और कुछ हलकों में बात भी हो रही है कि शायद बजट में यूबीआई की अनाउंसमेंट कर दे। यूबीआई माने यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी ऐसे मुल्कों में कुछ फैसले लिए गए हैं कि हर नागरिक के पास कुछ ना कुछ आमदन होनी चाहिए, चाहे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो लेकिन नौकरियां ना बढ़ रही हों, वहाँ पर यूबीआई होना चाहिए। जो मुल्क हैं जिन्होंने यूबीआई लागू की कुछ अरसे के लिए और अभी भी चल रही है जहाँ पर कुछ मुल्कों में, मैं उनका नाम बता दूँ, फिनलैंड में यूबीआई का अनाउंसमेंट हुआ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जैसे बेरोज़गारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट डोल, सरकार की तरफ से हर एक के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा। ये जो जनधन अकाउंट बहुत बड़ी तादाद में खुलवाए गए, ये शायद इसीलिए खुलवाए गए थे कि चुनाव से ठीक पहले लोगों के खातों में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया जाए। फिनलैंड एक देश है, उसके अलावा फ्रांस दूसरा है, नीदरलैंड तीसरा है, यहाँ पर यूबीआई का तजुर्बा किया गया। भारत में भी एक पुराने इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत बड़ा लंबा हिस्सा यूबीआई पर बेस किया गया कि 7,620 रुपया हर एक अकाउंट में दिया जाना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ कुछ इनकम है, कुछ खाने को है, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, अर्थव्यवस्था की हालत बुरी है। सन 2010 में मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया गया जहाँ पर करीब 7,30,00,000 लोगों की आबादी है। ये प्रयोग किया गया करीब 6,000 लोगों पर 8 गांव में, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, बिना शर्त उनके अकाउंट्स में पैसा दिया गया 100 से 300 रुपए तक, यानी हर महीने, यानी $1.50 से लेकर और $5.50 तक, ताकि जो छोटी बहुत आमदनी है उसमें भी थोड़ा इजाफा हो जाए। तो उसमें ये पाया गया कि फूड सफिशेंसी, ऐसे ऐसे घरों में मतलब खाने की मात्रा भी बढ़ी, तादाद भी बढ़ी और साथ में ही बीमारियों में भी कमी आई। तो लेकिन चुनाव से ठीक पहले यूबीआई करना मास इलेक्टोरल ब्राइबरी कहा जाएगा। आप देखते हैं नया बजट में कौन से नए सपने लेकर आते हैं, सपनों के सौदागर, जो पहले कहा वो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे। ले देकर 11 महीने से भी कम का समय इनके पास रह गया है, एक नई स्क्रिप्ट खुल रही है। जो नई स्क्रिप्ट खुल रही है उसका आगाज उत्तर प्रदेश के कासगंज में हो चुका है। हम जैसे मीडिया वालों की गलती भी ये है कि हम कासगंज की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो असली मुद्दे हैं, डीमोनेटाइजेशन से हुआ नुकसान, GST से मची खलबली, आधार को लेकर जो पूरी कन्फ्यूजन है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था का पटरी से उतरना है, चरमरा जाना है, पूरे माहौल में जो एक इस वक्त खौफ और दहशत और मायूसी फैली हुई है, हम उसकी बात कम कर रहे हैं, कासगंज की बात ज़्यादा कर रहे हैं, यही ये लोग चाहते हैं। कासगंज इनका नया एजेंडा है, नई स्क्रिप्ट है, क्योंकि दिखाने को कुछ नहीं है, इसलिए अगले साल चुनाव में चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो UBI जिसका मैंने जिक्र किया, मास इलेक्टोरल ब्राइबरी, कि हर अनएम्प्लॉयड के खाते में 400, 500, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये जमा करा दिए जाएं, या फिर इकट्ठे चुनाव करवाने का भी एक नया शगुफा छोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि ले देकर संघ के पास, मैं BJP नहीं कह रहा हूँ, संघ के पास एक ही काठ की हांडी है, वो है नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक जो हैं उनकी रैली के भाषण देने की शैली, जो उनकी रैली की शैली है उसमें हमने कहा कभी विदूषक बन जाते हैं, कभी दहाड़ देते हैं, कभी रो देते हैं, बातों में ले आते हैं, तो ये भी एक काठ की हांडी है, कब तक चलेगी। अगर लगातार चुनाव अलग अलग होते रहे विधानसभाओं के भी और लोकसभा के भी, तो है तो उनके पास ये सिर्फ यही काठ की हांडी, लिहाजा एक ही वक्त पर चुनाव भी करवा दिया जाए। नई स्क्रिप्ट ये भी हो सकती है राम मंदिर का निर्माण, बहुत बड़े पैमाने पर दंगे जिसका एक ट्रेलर कासगंज में देखा जा रहा है, और UBI मास इलेक्टोरल ब्राइबरी, ये एक सिनारियो है। बाकी 11 महीने में हमें नहीं लगता कि जो वादे किए गए थे स्मार्ट सिटीज़ के, अच्छे दिन के, उसके अलावा मतलब दुनिया बदल देंगे, वो हो पाएंगे, लिहाजा ये लोग 2022 की बात कर रहे हैं, संकल्प से सिद्धि तक की बात कर रहे हैं, ताकि गोल पोस्ट को टाल दिया जाए। जो बजट आएगा ध्यान उस पे दीजिए, कासगंज पे कम दीजिए। कासगंज पे ध्यान कम क्यों दीजिए,
क्योंकि यही वो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल बन जाए, इस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जाएं, इस तरह से लोगों को भड़काया जाए कि दंगे पैदा हो जाएं। वहाँ के जो DM हैं राघवेंद्र विक्रम सिंह, आप ज़रा उनका जो फेसबुक स्टेटस है वो पढ़िए, उनका भी यही कहना है कि अजीब बात है, ये DM कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिनका काम कानून व्यवस्था को संभालना है, ये उनका मानना है कि एक अजीब माहौल बन रहा है, किसी भी मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में घुस जाओ, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाओ, फिर दंगे हो जाएं, फिर कोर्ट केस हो जाएं। कांवड़ यात्रा के वक्त भी बरेली के खैलम मोहल्ले में यही हुआ था कि जहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला हो, जहाँ मुसलमान रहते हो, वहाँ पर घुस जाओ, तिरंगा और भगवा साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आज तक तिरंगे पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, उसके समकक्ष, उसके बराबर किसी को खड़ा नहीं किया। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ उनके अपने झंडे हैं, जम्मू कश्मीर अकेला नहीं है, लेकिन तिरंगा हमेशा ऊपर रहता है। ये लोग भगवा लेकर साथ चल रहे हैं, जब तिरंगा यात्रा है तो भगवा क्यों? आप समझ रहे हैं इसके पीछे का खेल? समझें, इनकी ख्वाहिश यही है कि कासगंज में जो किया वो एक छोटा सा तजुर्बा था। अगर ऐसे तजुर्बों को स्पेस मिलता है और जिस दिन मुसलमान रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, इनके लिए दंगे शुरू करने की पूरी एक क्या कहें जस्टिफिकेशन हो जाएगी। लिहाजा जितना भी लिबरल मीडिया है, सेक्युलर मीडिया है, असली भारतीय मीडिया है, देशद्रोही मीडिया नहीं है, जो भगवे के नाम पर सरकारी हो चुका है, दरबारी हो चुका है, वो देशद्रोही मीडिया है, उनकी तरह नहीं। आप बजट की तरफ ध्यान दें, जो जो काम नहीं हुए उस पर सवाल पूछें, जो जो काम होने चाहिए उनको उजागर करें। नमस्कार, आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।